नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि शुक्र का राशि परिवर्तन, और शुक्र जब घर बदलते हैं तो आपकी लग्जरीज की तरफ आपका ज्यादा इशारा करवाते हैं, यानी बताते हैं कि अब आप थोड़ा सा संभल जाइए, खर्च जरा थोड़ा सा सावधानी से कीजिए, और तो और कुछ जगहों पर बच करके रहिए। चलिए जी, शुक्र की बात करते हैं। तो 28 फरवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। धनु राशि से निकल करके मकर राशि में शुक्र का प्रवेश आपके जीवन में किस तरीके से आपको अलर्ट करने का प्रयास कर रहा है, ये समझने की ज्यादा जरूरत है। आपकी लग्जरी के कारक, आपके फेम के कारक, और तो और कहीं ना कहीं खुशियों के कारक भी कहे जाते हैं। और इसके लिए अगर हम बात करें तो मीडिया के कारक भी कहे जाते हैं शुक्र। तो ऐसे में किन चीजों से खास करके आपको सावधानी रखने की जरूरत है, और खास करके ये समझने की जरूरत है कि आपकी राशि के साथ, आपकी राशि के किस भाव के साथ उसका खास संबंध बनने जा रहा है। अब ये राशि परिवर्तन की बात करते हैं। तो सुबह 3:29 पर शुक्र का प्रवेश मकर राशि में हो जाएगा, और जहां पहले से ही शुक्र के साथ शनि, सूर्य और गुरु का साथ हो जाएगा, और ऐसे में दो ग्रह अस्त आपको किस तरीके से परेशान कर सकते हैं। जुपिटर आपका अस्त है, और जुपिटर का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको परेशानी देता ही है, रुतवे को कहीं ना कहीं आपके थोड़ी सी सेंध लगाता ही है, और ऊपर से शुक्र का राशि परिवर्तन कितना आपके लिए अटेंटिव रहने वाले योग बना रहा है, या फिर आपको कह रहा है आराम से सो जाइए। चलिए, शुक्र का राशि परिवर्तन का सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको किन चीजों पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, किन चीजों को आपको ज्यादा संभालने की जरूरत। आपको पैसे को संभालने की जरूरत पड़ेगी, अपने फेम को संभालने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके लिए वो लग्जरीज के कारक हैं तो लग्जरीज को संभालने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी, या फिर आपको ये करना पड़ेगा कि जरा महिलाओं से बच करके रहने की जरूरत पड़ेगी। भाई, महिलाओं के कारक भी कहे जाते हैं, या फिर महिलाएं आपको सहयोग देंगी। बहुत सारी चीजों को आपको बताने वाले हैं हम। आपको सबसे पहले समझने की बात है कि जो ग्रह अस्त हो रहे हैं वो किस कंडीशन में जाकर के अस्त हो रहे हैं। शनि और गुरु अस्त और साथ में शुक्र का साथ, तो ऐसे में क्या चीज का ज्यादा फर्क। अस्त मीन्स कि 11 डिग्री के आसपास लगभग जो है वो शनि है, और दूसरा 15 डिग्री के आसपास है गुरु महाराज, और सूर्य जो है वो नियर अबाउट 15 डिग्री के आसपास ही है। इसीलिए दो प्लेनेट अस्त और साथ के साथ शुक्र का गोचर। चलिए, आपको बताते हैं कि आपको किन चीजों को ज्यादा संभालने की जरूरत है, किस राशि वालों को ज्यादा संभालने की अपने आप को जरूरत है। मेष राशि की बात कर लेते हैं। तो दशम भाव में शुक्र का गोचर आपको क्या फायदा देगा, क्या नहीं फायदा देगा। आपके तो व्यापार स्थल पर कर रहा है ये गोचर, और ऐसे में व्यापार की तरफ थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए। एक ध्यान रखिएगा, बहुत सावधान रहने की जरूरत है महिलाओं से, आपको अटेंटिव रहने की जरूरत है। फेथ कीजिएगा, ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको कहां सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षित रहने का प्रयास कीजिए। हाँ, बिजनेस की तरफ आपको बढ़ाने के इंडिकेशन दे रहा है कि जो थोड़ा सा डाउनफॉल कहीं ना कहीं हो रहा था आपके बिजनेस में, वहां आपको बढ़ोतरी के संकेत दे रहा है। अगर हम बात करते हैं तो शुक्र का कहीं ना कहीं 12वें भाव के साथ संबंध बन जाएगा, और 12वें भाव के साथ शुक्र का जो है आपके चतुर्थ भाव के साथ संबंध बन जाएगा। तो चतुर्थ भाव आपकी लग्जरीज है, फेम है, और कहीं ना कहीं माता का कारक भी है। और फिर कहा जाता है कि अपने रुतवे को जरा संभाल करके रखिए, सिंहासन भी कहा जाता है शुक्र को, फोर्थ हाउस को। तो ऐसे में सिंहासन भी संभालने की जरूरत है, अपने माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपके बिजनेस में बढ़ोतरी के चांसेस हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आपकी लग्जरीज और फेम में भी इजाफा करेगा, बट अटेंटिव रहने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। आपके नवम भाव में ये गोचर है। नवम भाव आपके पिता के भाव का भी कारक है, और आपके धर्म का काम भी करता है, आपके कर्म को थोड़ा सा बलवान करने का प्रयास करता है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, कारण चाहे कुछ भी हो, पिताजी से विवाद मत कीजिएगा। दो प्लेनेट वहां पे अस्त भी है, शनि महाराज अस्त है, और साथ के साथ गुरु महाराज अस्त है। तो ऐसे में दो प्लेनेट अस्त होने के साथ साथ शुक्र का गोचर आपको बहुत ज्यादा बाहर की तरफ आपके इंडिकेशन कर रहा है कि बाहर भाग लो, घर वालों की बात बिल्कुल मत सुनो, पिता की बात खास करके मत सुनो।
पिताजी की बात जरूर सुनिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आप सुरक्षित रह सकते हो। इस कारण से ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ धार्मिक मुद्दों को लेकर के बीच में कूदने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दूरी बना करके रखिए, जितना जरूरी है उतना ही बोलिएगा ताकि आपके लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। अपने बड़ों का आदर कीजिए, बड़ों की बात मानने में ही आपकी भलाई है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, तो मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, आपके अष्टम भाव में ये गोचर हो रहा है, अचानक घटनाओं से बचिएगा, अचानक कुछ बदलाव हो सकते हैं, अचानक कुछ चीज जा सकती है, अचानक कुछ चीज जा भी सकती है। तो अपना सामंजस्य, अपना माइंड लेवल जो है वो बराबर रखने की जरूरत है, वरना कुछ फैसले आपसे गलत हो सकते हैं। कुछ दबी हुई बीमारियों को बाहर ला करके सामने रख सकता है, अच्छी चीजें भी करेगा, धन भी दे देगा, बाकी चीजें भी करेगा, लेकिन खर्च भी करवाने के लिए तैयार बैठे हैं शुक्रमा महाराज आपके लिए। तो ऐसे में थोड़ा सा तालमेल बना करके रखे, सामंजस्य बना करके रखे, अटेंटिव रहें, चौकन्ने रहें, ब्लाइंड फेथ दूसरों के ऊपर ना करें, उसी में आपकी भलाई है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के तो सप्तम भाव में ये गोचर हो रहा है भाई, आपके स्पाउस जो बहुत परेशान हो, आप कहीं ना कहीं लेवल जो है वो ऊपर नीचे चल रहा था, पति पत्नी में रिलेशन में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो रहा था, पार्टनर के साथ कुछ खींचतान चल रही थी, कई बार हो रहा था कि काम नहीं चल रहा था, पार्टनर छोड़ देते हैं, पार्टनरशिप छोड़ देते हैं। तो ऐसे में अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपका काम भी चलेगा, आपके पास धन भी आएगा, पति पत्नी के रिश्ते भी सुधरेंगे, कॉम्पिटिटर्स ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, आपके लिए अच्छे संकेत दे रहा है ये शुक्र। बस थोड़ा सा संभालने की और अटेंटिव रहने की जरूरत भी है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, तो सिंह राशि वालों, आपकी राशि से छठे भाव में ये गोचर हो रहा है भाई, मित्र महिलाओं से बच करके रहिएगा, महिलाएं वो भी मित्र थोड़ा सा बच करके रहिएगा, इनफैक्ट महिलाओं को ही महिलाओं से बचने की भी जरूरत है। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो आपको भी, सिंह राशि है तो आपको भी बचने की जरूरत है। तो सिंह राशि वालों जरा सावधान हो, बहुत तेज होते हैं आप, हर चीज लगता है आपको कि आप संभाल लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आकर के थोड़ा सा आपकी सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है, तो बचने की जरूरत है आपको। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, कॉम्पिटिटर्स आपके बहुत जागने वाले हैं, तो कॉम्पिटिटर्स को जागने दीजिए, कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे तो आपका लेवल कैसे बढ़ेगा, तो अपने लेवल को बढ़ाने का सोचिएगा आप, इधर उधर की बातें छोड़ करके अपने माइंड को फोकस करने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी और अच्छे काम भी आपके पास आएंगे और आपको कुछ अच्छा फायदा भी मिल सकता है। कन्या राशि की बात करते हैं, तो फिफ्थ हाउस यानी पंचम भाव में ये गोचर हो रहा है और पंचम भाव में गोचर होने के कारण आपको थोड़ा सा अपने बच्चों के ऊपर दबाव ना, कि बच्चे खर्च बड़ा करने वाले हैं, उन्हें उतना ही धन दीजिए जिससे वो बिगड़े नहीं ज्यादा और जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। इसके अलावा आपको धर्म कर्म के कार्यों में थोड़ा सा सामंजस्य बना करके रखना पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं है कि धर्म कर्म कार्यों से आप मुंह ही मोड़ लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, थोड़ा सा अपना रुझान उस तरफ रखिएगा। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका मन हट सकता है पढ़ाई से, थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, बहुत दोस्ती में मजा आएगा, घूमने का, इधर जाने का, उधर जाने का, इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन एट द एंड फिर आपको दिक्कत और परेशानी भी हो सकती है उन्हीं के द्वारा, मित्रों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा। तो ऐसे में एक बैलेंस रिलेशन को बना करके चले ताकि आपके जीवन में आपको कष्ट ना सहना पड़े। अगली राशि की बात कर लेते हैं, तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो आपकी राशि के लॉर्ड हैं, जैसे वृष राशि के लॉर्ड हैं शुक्र और तुला राशि के भी लॉर्ड हैं शुक्र, कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है दो अस्त प्लैनेट्स के साथ, लेकिन आपकी राशि को थोड़ा सा स्ट्रांगनेस देते हैं आपकी राशि के लॉर्ड हैं, क्योंकि अपने घर को कौन ज्यादा परेशान करना चाहता है, तो इसीलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं, लेकिन दो ग्रह अस्त थोड़ा सा डिलेमा की सिचुएशन बना सकते हैं, आते आते काम हो सकता है कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने का प्रयास करें, बट फिर भी थोड़ा सा अगर आप कोशिश अटेंटिव रह करके आप उन कार्यों के पीछे पड़ जाते हैं, पीछे लग जाते हैं, यानी अवेयर भी रहना और फिर साथ के साथ उन कार्यों की तरफ अपना रुझान बनाए रखना, ये दोनों चीजें आपके कार्य आप तक लेकर के आएंगे, आपकी लग्जरीज आप तक लेकर के आएंगे, आपकी खुशियां आप तक लेकर के आएंगे, तो आपके लिए काफी फायदे के संकेत की तरफ ये
जा रहा है ये गोचर शुक्र का गोचर। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो तृतीय भाव में ये गोचर हो रहा है, यानी थर्ड हाउस से आपकी मेहनत सफल तो सफल होने वाली है। आपको महिला मित्रों से बहुत फायदा होने वाला है। छुट्टी में जाना है, थोड़ा महिला मित्रों से सपोर्ट ले लीजिएगा, यकीन मानिए आपके आधे काम संभाल देंगी वो, और साथ के साथ आपको हर मुसीबत से भी बचाने का प्रयास करेंगी। हाँ, थोड़ा सा आपके सीनियर्स आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको उनके साथ उनकी यस बॉस करने का प्रयास करने पड़ेगा। जब तक ये शुक्र का बदलाव बदलता नहीं है तब तक, कुंभ में जब तक ये नहीं जाते तब तक थोड़ा सा आपको एक बैलेंस बना करके अपने सीनियर्स के रखना पड़ेगा। आर्गू नहीं कीजिएगा वरना आपके प्रमोशन रुक सकते हैं, तो प्रमोशन के योग भी है तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाइए, अपने सीनियर्स का रिगार्ड कीजिए, अननेसेसरली के बाद विवाद से बचने का प्रयास कीजिए, दूसरों के झगड़े में ना कूदिएगा, और खास करके अपने भाई बहनों के साथ संबंध बैलेंस बना के रखिएगा तो दिक्कत से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि की बात होगी, अब बात करते हैं धनु राशि वालों को क्या करना है। द्वितीय में आपका ये गोचर है, सेकंड भाव, जरा धन को बचा लीजिएगा, अपनी वाणी बोलते हुए जरा मीठा बोलने का प्रयास करेंगे लेकिन अचानक कड़वापन भी आपका आ जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी न्यायप्रिय बात करेंगे लेकिन कई बार अन्याय की तरफ एकदम से रुझान होने लगेगा। भाई शनि और गुरु का साथ भी है तो ऐसे में दो अस्त प्लेनेट का साथ कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकता है। कहना कुछ चाहते हैं, समझ लेगा सामने वाला कुछ और ही, और फिर रिजल्ट जो कुछ और ही होंगे तो फिर वो आपको परेशान कर सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत बैलेंस करने की जरूरत है, बोलने से पहले 10 बार सोचिएगा, उसके अलावा अपने धन की तरफ थोड़ी कमांड लगा करके रखिएगा। ये नहीं कि पॉकेट में आए हैं तो सब उड़ा करके ही घर में जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी धन एकत्रित करने में, ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है आपको। धनुराशि वालों जल्दबाजी ना कीजिएगा क्योंकि जल्दबाजी आपको परेशान कर सकती है। मकर राशि बात करते हैं, स्वयं के ऊपर से गोचर, यानी मकर राशि के ऊपर से गोचर है और साथ के साथ इसे प्रथम भाव भी कहा जाता है। प्रथम भाव का गोचर जो है वो आपके कुछ फैसले अच्छे करवा सकता है। जहां आपको कहीं ना कहीं लो फील हो रहा था अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ आने लगेगी, जहां आपको थोड़ा सा डर लग रहा था अब वो कॉन्फिडेंस में बदलने लगेगा, जहां आपको कहीं ना परेशानियां लग रही थी अब वो परेशानियां हल होती हुई नजर आएंगी आपको। कुल मिलाकर के आपकी सिचुएशंस काफी बेटर होने वाली है, हो सकता है कोई लग्जरीज आपके हाथ में आए और साथ के साथ आपके धन की बढ़ोतरी हो, अचानक जो आपका दबा हुआ धन था पैसा था वो भी वापस आने के चांसेस हैं, तो आपके लिए अच्छे संकेत दे रहा है ये शुक्र का बदलाव। मकर राशि के बाद हम बात करते हैं कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों आपके द्वादश भाव में यानी आपकी राशि से 12वें भाव में ये गोचर हो रहा है और 12वां भाव हमारे लिए व्यय, हमारे लिए लॉस, हमारे लिए हॉस्पिटल की ओर इंडिकेशन, तो स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखिएगा, खर्च जल्दी बढ़ जाएंगे आपको, आपको कुछ कुछ चीजें फालतू एंड वेस्टेड आप जो पैसे हैं वो वेस्ट करेंगे, आप जिस चीज की जरूरत नहीं है वो चीजें भी खरीद लेंगे इस समय में आप, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, जो जरूरत है वही खरीद। हमारा आपको पहले आगाह करने का कंसर्न होता है कि आप इन चीजों पे थोड़ी सी अपनी कमांड कर लीजिएगा, थोड़ा सा अपनी कंट्रोलिंग कर लीजिएगा, क्योंकि डर नहीं है ये अवेयरनेस है, और अवेयरनेस जो होती है वो हमेशा आपको सुरक्षित रखती है। जरा सी भी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है आपको स्वास्थ्य को लेकर के, तो जल्दी से आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस बीमारी को बढ़ने मत दीजिएगा, बढ़ेगी तो फिर आपको ज्यादा परेशानी दिक्कत के साथ साथ ज्यादा धन का खर्च हो सकता है। आखिरी राशि की बात कर लेते हैं तो मीन राशि वालों के लिए ये गोचर शुक्र का कैसे रहने वाला, आपके लिए एकादश भाव में गोचर है, पैसा आएगा पैसा जाएगा, मतलब पैसा आएगा भी बहुत, जो पैसा कहीं 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 ब्लॉकेज हो रही है, ब्लॉक है, दिया हुआ है वापस नहीं मिल रहा, या फिर अब ही का पैसा था, मेहनत का पैसा था, नहीं आ रहा था, बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपका वो पैसा भी वापस आएगा, आपकी लग्जरीज भी बढ़ जाएंगी लेकिन पैसा खर्च भी होना शुरू हो जाएगा। एक ध्यान रखिएगा, शुक्र के गोचर के टाइम पर आप ये धन किसी को उधार में मत दीजिएगा, वो पैसा वापस नहीं आने वाला, जल्दी नहीं आने वाला, बहुत पीछे भागना पड़ेगा आपको पैसा लेने के लिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा
मन मुटाव अगर किसी के साथ भी है, डिस्प्यूट किसी के साथ भी चल रहे थे, वो डिस्प्यूट भी आपके खत्म हो सकते हैं। बेवजह का तनाव जो है खत्म हो सकता है। बच्चों के साथ जो थोड़ी सी अनबन चल रही थी वो सही हो सकती है। और सारी कुल मिलाकर के चीजें आपके लिए आपके हित की, आपके फायदे की, कुछ अच्छी चीजों का बदलाव हो सकता है, कुछ अच्छे विजन क्लियर हो सकते हैं, कुछ आगे प्रयास करेंगे तो बड़े बड़े काम भी आपके हाथ में आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया कि शुक्र का बदलाव आपकी राशियों के लिए क्या फायदे दे रहा है। बहुत फायदे दे रहा है भाई, थोड़ा सा अटेंटिव रहने की जरूरत है, थोड़ी सी नॉलेज गेन करने की जरूरत है, और फायदा ही फायदा आपकी झोली में आकर के गिर सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे साथ मिल करके बात करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण करना आना चाहते हैं, तो नीचे नंबर शो दिए हुए उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं, जो प्रोसेस है उसे फॉलो करते हुए। और आप मेरे साथ मिल भी सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इसके अलावा अपना विश्लेषण भी ले सकते हैं। ज़रूर इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। नोटिफिकेशन के बेस पर आपको आने वाली मेरी वीडियो का सबसे पहले पता चल जाता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।